हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको गले से संबंधित कोई भी परेशानी रह रही है, जैसे कि आपके गले के अंदर लगता है कि कोई चीज़ अटकी हुई है, वहाँ पर जलन हो रही है, पानी पीने में भी दर्द हो रहा है और चुभन वाली दर्द हो रही है, या फिर आपको लगता है कि गले के अंदर आपके जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है और देखते हैं तो गला अंदर से रेडनेस उसकी है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा ड्राईनेस भी रह रही है, तो दोस्तों अगर ये सारे सिम्टम्स हैं आपके अंदर तो ये मेडिसिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन का नाम है दोस्तों होम्योपैथिक की मेडिसिन है बेलेडोना। तो इसको कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, इसको कई जगह पे वैसे यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको केवल इसके थ्रॉट सिम्टम्स ही बताऊँगा कि गले के क्या क्या सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं। जनरली कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर गले की बनाई गई है, कंपोजिशन डाल के बनाई गई है, जैसे कि थ्रोट एड टैबलेट्स हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि इस तरह की जो मेडिसिन है, जैसे कि बेलेडोना मेडिसिन है, ये मेडिसिन आपको जरूर मिलेगी क्योंकि एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है जिसके काफ़ी अच्छे फायदे लगते हैं, खास करके एक्यूट वाली कंडीशन में, जैसे कि फीवर में कई बार गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन देते हैं। तो गले के अंदर क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, पहला सिम्टम आपको ध्यान देना है कि आपको ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी, ड्राइनेस आपको गले में पूरे में सूखापन लगेगा, आप अगर अपना सलाइवा भी उसको निगल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश्की आपको महसूस हो रही है, आपको ईसोफेगस में भी जो हमारा फूड पाइप होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको ड्राइनेस फील हो रही है। इसी के साथ दोस्तों अगला सिम्टम आता है कि पेशेंट को रेडनेस ज़्यादा हो रही है क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रही है। अब आपको रेडनेस मीन्स कि आपको लालपन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, आपको टंग पर भी हो सकता है, अंदर बक्कल कैविटी में भी हो सकता है, मीन्स कि आपको गालों के अंदर की तरफ हो सकता है, आपको हार्ड पैलेट में हो सकता है, आपको उल्वा में हो सकता है, ठीक है, लगता है कि उसका साइज थोड़ा बढ़ गया है और वहाँ पे रेडनेस हो रही है, जलन हो रही है। इसी के साथ इन्फ्लेमेशन हुई है टॉन्सिल में, तो आपको टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, ठीक है, तो आपके टॉन्सिल्स भी बड़े हो सकते हैं और खाने पीने में आपको दर्द भी हो सकता है। खास करके दर्द किस समय होगा, जब आप कोई लिक्विड डाइट ले रहे हैं, अगर आप नॉर्मल पानी भी पी रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है गले में, जैसे आप पानी निकलते हैं आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसमें होम्योपैथिक में और भी मेडिसन है, जैसे लैकेसिस है और एक ये बेलेडोना मेडिसन है, ठीक है, तो पेशेंट को इतना खाना खाते समय दर्द नहीं होता जितना उसको पानी पीते समय पेन उसके गले के अंदर हो जाता है। अगला सिम्टम आता है दोस्तों इसके अंदर कि पेशेंट को लंप सेंसेशन होती है गले में, कि कोई लंप यहाँ पर फंसी हुई है, उसको बाहर निकालते नहीं निकलती है, अंदर करने की कोशिश करते हैं वो अंदर भी नहीं जाती है, तो इस तरह की सेंसेशन पेशेंट के अंदर बनी रहती है। एक खास सेंसेशन आती है दोस्तों इसके अंदर के पेशेंट को स्क्रैपिंग सेंसेशन होती है उसके थ्रोट में, स्क्रैपिंग सेंसेशन होती है जैसे कोई चीज़ खुरची जा रही है, खुरचना मीन्स आप जानते हैं, इसको खुरचना बोलते हैं कि कोई चीज़ गले के अंदर ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक है, तो इसको स्क्रैपिंग सेंसेशन बोलते हैं। अगर ये सेंसेशन है तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एक नया और इम्पोर्टेंट और खास सिम्टम है जो कि इसको और मेडिसिन से अलग बनाता है, जो कि है कि पेशेंट को लगातार में निगलने वाली सेंसेशन करनी पड़ती है, कि मैं ही हूँ तो बार बार मुझे निगलना पड़ेगा तो मुझे अच्छा फील होगा, ठीक है, तो इस तरह को उसको बार बार करना पड़ता है, नहीं करता तो फिर उसको अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों इसके गले के सिम्टम, और भी काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उसको थ्रॉट के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन फील होती है, कि थ्रॉट उसका जो गला है किसी ने बांध दिया है, उसको पकड़ के बांधा गया, कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग हो रही है, कि जकड़न वाली सेंसेशन उसके गले के अंदर हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपके मैच हो रहे हैं, इसमें से अगर 70% भी सिम्टम्स मैच हो रहे हैं और आप काफ़ी लंबे समय से बहुत मेडिसिन खा चुके हैं, तो आप ये होम्योपैथिक की बेलेडोना ले आइए, काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और हर पोटेंसी में अच्छा काम करती है, 30, 200, 1 mg, 10 mg सब में ही अच्छा काम करती है। तो जनरली आप इसको ला रहे हैं तो आप इसकी 200 पोटेंसी में इसको आप लाइए, 5-5 बूंदे इसके सुबह शाम पीजिए। क्रॉनिक कंडीशन है तो आप इसको 10-15 दिन यूज़ कर सकते हैं, एक्यूट कंडीशन है मीन्स हाल फिलहाल की परेशानी है तो आप इसको 7-8 दिन लीजिए, आपको इससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा अगर आपके सिम्टम्स इससे मैच हो रहे हैं। सिम्टम्स मैच नहीं हो रहे हैं तो आपको दोस्तों और मेडिसिन देखनी होगी, ठीक है, और डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो ही आपकी प्रॉपर मेडिसिन सेलेक्ट हो पाएगी। तो गले के अंदर अगर आपकी ये समस्याएं हैं, ये मेडिसिन आपकी बैठ रही है तो आप इसको लगे, आपको इससे तुरंत आराम हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।